स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ मैप्रो का मैंगो क्रश लिया है। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको किसी भी किराने स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसका शरबत बनाना बहुत आसान है, इसके लिए बहुत कम चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच सब्जा सीड लिए थे, इसे मैंने थोड़े से पानी में भिगो कर रखा था, ये काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। मैं यहाँ 2 ग्लास बनाने वाली हूँ शरबत, इसलिए मैंने इसमें 1 बड़े चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, मैंने आइस क्यूब ली है। तो आइए शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी खुले मुंह के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक बाउल लिया है, 2 बड़े गिलास ठंडा पानी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। आप इसमें किसी भी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी पानी में जो है मेल्ट हो जाती है। चीनी हमारी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। 2 बड़े चम्मच अभी इसमें मैंगो क्रश ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप 2 तरह से बना सकते हैं, दूध का शरबत भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ इसे पानी के साथ बनाया है। अब मैं इसमें आइस क्यूब ऐड करूँगी ताकि जो शरबत है हमारा वो अच्छा चिल्ड हो और पीते वक्त बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगे। अब इसमें हम सब्जा सीड ऐड करेंगे जो हमने भिगो कर रखा था। देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बन के तैयार है हमारा शरबत। इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा, इस घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। तो अब हम इसे ग्लास में सर्व कर लेंगे।